केजरीवाल की छवि का परिणाम रही या फिर बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा उठाना पड़ा है। जरा इस खबर को अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार है। तरुण, ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार चलाएगी, लेकिन 15 साल से जो एमसीडी पर बीजेपी काबिज थी उसको सत्ता से बेदखल कर और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में भी अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी में भी आने में सफल रहे हैं? किन वादों और किन बातों को जनता ने स्वीकार किया और ऐसी कौन सी शिकायतें थी बीजेपी से लोगों की? आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई है कई बार और ग्राउंड लेवल का जायजा भी लिया है, क्या बदला इस बार? देखिए, 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने अपने सारे सिटिंग काउंसलर के टिकट काट दिए थे, जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी का सीधा काट बीजेपी को मिला और पार्टी को इसका फायदा भी हुआ। 181 सीटों के ऊपर 2017 में बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हुई। इस बार के इलेक्शन के अंदर दो चीजें बहुत अहम थी। पहला, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई थी। दूसरा अहम कारक था कि आम आदमी पार्टी ताजा पंजाब का इलेक्शन जीत के आई थी और गुजरात के अंदर पार्टी हुंकार भर रही है, लिहाजा आत्मविश्वास से आम आदमी पार्टी लबरेज है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक यह रहा कि कांग्रेस लगातार दिल्ली के अंदर कमजोर होती जा रही थी, जिसके कारण आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखाई दिया। मैं वीडियो जर्नलिस्ट विनायक को कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की तस्वीरें एस्टेब्लिश करें। यहां पर सुबह से ही जश्न का माहौल था और दोपहर के वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहां पर आए थे, लोगों का अभिवादन किया। आम आदमी पार्टी को जितनी अप्रत्याशित जीत की उम्मीद थी, हालांकि अभी वो हासिल नहीं हो पाई है और अभी यह कहना बहुत परिपक्व नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का मेयर होने जा रहा है। हालांकि 126 का आंकड़ा किसी भी पार्टी को चाहिए बहुमत में आने के लिए और आम आदमी पार्टी के पास 134 वार्ड्स की सीटें हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी जरूरी है दर्शकों के लिए, क्योंकि अगर किसी पार्षद ने मेयर इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग कर दी तो यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसी कारण बीजेपी के कई नेता ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मेयर है अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी का बन सकता है और वो तभी बन सकता है जब मेयर इलेक्शन के अंदर क्रॉस वोटिंग हो। इस समय मेरे साथ एक मेल कैंडिडेट, एक फीमेल कैंडिडेट मौजूद हैं। इस बार तीनों बड़ी पार्टियों ने सबसे ज्यादा फीमेल कैंडिडेट को मैदान में उतारा था। शालीमार बाग के एक लौते विधानसभा सीट से जीते प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी दो सीटों पर हारी भी है। आपका नाम क्या है और किन मुद्दों के ऊपर आपका चुनाव हुआ है? मेरा नाम जलज कुमार चौधरी है, वार्ड 55 से मैं जीत कर आया हूं और हम 10 गारंटी लेकर केजरीवाल जी की घर घर गए थे और हमने वादा किया था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार एमसीडी में बीजेपी के काउंसलर ने किया, लेंटर पे पैसा खाया, गलियों का रखरखाव नहीं किया और एक एक व्यक्ति उनसे परेशान थे क्षेत्र के अंदर, एक एक फैक्ट्री वाले, एक एक व्यापारी परेशान था, तो मैंने अपनी एक वीडियो जारी की और मैंने उन्हें कहा कि 2027 तक हम यहाँ पे निगम पार्षद चुन के आते हैं तो आपके एक भी मकान पे, एक भी दुकान पे, एक भी व्यक्ति पैसा नहीं लेगा, ये हमारा और केजरीवाल जी का वादा है। आपको क्या लगता है मैम, आपके जीतने का महत्वपूर्ण कारक क्या रहा? क्या केजरीवाल के चेहरे के ऊपर वोट हुआ या फिर आपका जो प्रचार था वो इतना कन्विंसिंग था कि लोग आपको वोट देने पे मजबूर हो गए? नवादा जहां से आप जीत के आई हैं, उत्तम नगर में तो 4-0 हुआ है, चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई, कारण क्या रहा? देखो जी, केजरीवाल के चेहरे पे भी हमें वोट मिली है और हमने लोगों का दिल जीता कि जो भी एक निगम पार्षद के काम होते हैं वो सब करेंगे, पूरे करेंगे। और जैसे कि पहले वाला निगम पार्षद था, लेंटर उगाही वो लेता था, तो साफ सफाई एक महिला से ज्यादा साफ सफाई का ख्याल और कौन रख सकता है? आपकी चुनौतियां क्या होंगी एमसीडी हाउस में? हाँ, भ्रष्टाचार को खत्म करना। आपकी प्राथमिकताएं? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं हैं, जब हम गलियों में जा रहे थे तो 15-15 साल, 12-12 साल से टूटी हुई गलियां हैं, नालियां आज तक एमसीडी ने बनाई नहीं। दिल्ली में जैसा कि कूड़े का पहाड़ देखते हैं आप तीन, तो हम अपने वार्ड के अंदर सबसे पहले प्लेग्राउंड बनाएंगे जो एमसीडी ने 15 साल में नहीं बनाया हमारे वार्ड में। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है क्योंकि मेरा वार्ड ग्रामीण वार्ड है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था, तो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो एमसीडी का काम है ये हमारी प्राथमिकता है और वार्ड के काम के साथ साथ केजरीवाल जी की 10 गारंटी को हम अपने वार्ड में प्रमुखता के साथ लागू करेंगे।
देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि डबल इंजन मिलने जा रहा है दिल्ली को। इससे पहले भी डबल इंजन तो था ही, क्योंकि एमसीडी के अंदर बीजेपी काबिज थी और केंद्र के अंदर भी बीजेपी काबिज थी, लिहाजा तब बीजेपी ने इसको डबल इंजन के प्रचार के तौर पर भुनाने की कोशिश की थी, कामयाबी उसे हासिल हुई थी। और इस बार माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का डबल इंजन होगा। और अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, मैं पुराना इंजन नहीं हूं, मैं बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन हूं जो कि तेज रफ्तार से भागता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है। तो अब उनके समक्ष चुनौतियां हैं कि 10 नहीं 11 गारंटी, चूंकि उनकी 11वीं गारंटी आरडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेटिव को मिनी पार्षद का दर्जा देने की है, जिससे कि उनकी जवाबदेही तो तय हो ही पाएगी, साथ ही साथ वो अधिकार भी प्राप्त कर पाएंगे। और एक तरह से भागीदारी जो योजना शीला सरकार के वक्त चला करती थी, उसी की तर्ज पे आरडब्ल्यूएस को एक अहम जिम्मेदारी अब एमसीडी के अंदर मिलने जा रही है। लिहाजा चुनौतियां सबसे पहली तो ये है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर पद का जो प्रत्याशी है उसे जिताकर सदन में भेजे और उसके बाद अपनी 11 की 11 गारंटियों को जमीन पर लागू भी करें। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और ग्राउंड रिपोर्ट, वहां से क्या निकल कर सामने आई है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है एमसीडी चुनावों में, पर मेयर किसका होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या इसमें पेच है ये हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने हमें समझाया। जानकारी के लिए तरुण, आपका बहुत धन्यवाद, हम करेंगे।